हे गाइस, नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीवीएस राइडर के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि राइडर का मार्केट में बहुत ही खतरनाक रिव्यू मिल रहा है सभी लोगों को, क्योंकि उतना ही बेस्ट प्राइस में अवेलेबल है बाइक और फीचर्स भी बहुत ही शानदार दिए हैं और बाइक दिखने में भी बहुत ही फाड़ू है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पीछे राइडर अवेलेबल है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे गुजरात में पहला राइडर यहाँ आगवन टीवीएस में ही अवेलेबल है। तो अभी फ़िलहाल किसी के पास, गुजरात के कौन से भी डीलरशिप के पास अभी राइडर बाइक नहीं है, तो आगवन टीवीएस के पास ही अभी राइडर है। तो बुकिंग्स ओपन हो चुकी है बाइक्स की। तो अभी चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं छोटी छोटी डिटेलिंग सब कुछ बताऊँगा वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ बाइक के फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक में आप देखिए जो हेडलैम्प है वो बहुत ही माचो लुक दे रहा है बाइक को। तो बहुत ही यूनिक स्टाइल वाला आपको इसमें हेडलैम्प देखने को मिलेगा। पे ऊपर आपको टीवीएस का बेंचमार्क देखने को मिलेगा और यहाँ पे नंबर प्लेट का ऑप्शन है। आप देखिए कि जो हेडलैम्प है उसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, बहुत ही फाड़ू लग रहा है। यहाँ आगे से देखेंगे तो और लगेगा कि बहुत ही मस्क्यूलर और बहुत ही सेक्सी बाइक आ रही है। और यहाँ पर मैं हेडलैम्प को अभी ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखिए जो DRL है वो भी काफ़ी ब्राइट है और DRL का जो डिज़ाइन दिया हुआ है वो भी काफ़ी यूनिक स्टाइल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे ऊपर आपको टर्न इंडिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे ऊपर देखने को मिलेगा इस तरफ। और यहाँ पे सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट सस्पेंशन, तो सस्पेंशन का ट्रैवलिंग भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये बाइक आपको चार कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू, येल्लो और रेड। तो चार कलर ऑप्शन के साथ आपको टीवीएस राइडर देखने को मिलेगी। तो टीवीएस राइडर में दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है और एक ड्रम ब्रेक वाला मॉडल अवेलेबल है। तो ये हमारा डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है जो कि आगे के टायर में आपको कंपनी डिस्क ऑफर कर रही है, पीछे के टायर में आपको ड्रम ब्रेक ही ऑफर कर रही है कंपनी। और अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो 17 इंच के ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है। आगे का टायर भी 17 इंच का मिलेगा और पीछे का टायर भी आपको 17 इंच का ही मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा बाइक है। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर मिसिंग मुझे लग रहा है, बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। आगे का अगर मैं मडगार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे मडगार्ड दो पार्ट्स में दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्लोसी फिनिशिंग में और यहाँ पे रफ मैट फिनिशिंग में, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है यहाँ पर। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक की मुझे। और साथ में आप देखिए कि जो डिज़ाइन है, जो कर्व्स दिखने को मिल रहे, तो 125 cc की बाइक में इतने सारे फीचर्स कोई भी कंपनी नहीं दे रही है टीवीएस की राइडर में आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सेक्सी लुक लग रहा है बाइक का। तो यहाँ पे चलते हुए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पे प्लास्टिक, आपको मतलब कि कवरिंग है वो प्लास्टिक का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको टीवीएस का बहुत ही सुंदर सा लोगो, बहुत ही ब्यूटीफुल लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ये हॉर्स है वो 3D लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ में ये कर्व्स वगैरह देखिए, जो फ्यूल टैंक का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में यहाँ पे FI इंजन है, तो ये FI ऑपरेटेड है, FI टेक्नोलॉजी का वाला इंजन है। तो यहाँ पर भी उसका बेंचमार्क दिया हुआ है। तो अगर मैं इंजन की बात करूँ तो 125 cc का आपको इसमें इंजन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको TVS का लोगो देखने को मिलेगा। तो और इंजन की पावर आउटपुट फिगर की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम पावर आपको इसमें 11.2 BHP का मिलेगा और मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें 11.2 Nm का देखने को मिलेगा। तो पावर आउटपुट फिगर भी काफ़ी अच्छी है। जब भी हम लोग टेस्ट राइड भी लेने वाले हैं इसका, तो टेस्ट राइड में क्या रहता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। और साथ में यहाँ पे एक आपको लेग गार्ड देखने को मिलेगा और यहाँ पे इंजन प्रोटेक्शन, आपको बॉडी कलर वाला इंजन प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो एक अंडर बेली जैसा भी दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे साइड स्टैंड और मेन स्टैंड, तो यहाँ पे जो फुट पैक है वो आपको रबर की ग्रिपिंग के साथ देखने को मिलेगा। ये आगे का फुट पैक है, यहाँ पे पीछे का फुट पैक आपको प्योर एल्यूमिनियम में देखने को मिलेगा, उसमें आपको रबर का ग्रिपिंग नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट के ऊपर आपको राइडर 3D स्टाइल में देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लुक लग रहा है। और यहाँ के अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो स्प्लिट सीट्स आएगी, तो सीट आपको मैं अभी ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो सीट कुछ इस तरह से यहाँ से ओपन होगी, यहाँ पीछे से, यहाँ पे की होल दिया हुआ है, तो यहाँ से सीट ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हो कि आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे रख सकते हो, थोड़ा छोटा मोटा स्पेस देखने को मिल रहा है। तो स्प्लिट सीट्स के साथ बाइक आती है,
तो ये काफ़ी अच्छी है। तो फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप ये जो चैन वगैरह है वो आपको ओपन देखने को मिलेगी यहाँ पे स्विंग आर्म। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वगैरह का यहाँ पे जो भी यूज़ किया हुआ है मटेरियल, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा साड़ी गार्ड, तो ये सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है सब कुछ चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि बहुत ही स्पोर्टी लुक लग रहा है बाइक का, जो यहाँ पे एरोडायनेमिक कट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे रफ फिनिशिंग में कलर है और यहाँ पे कोई अलग कलर है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रफ फिनिशिंग, यहाँ पे ग्लोसी फिनिशिंग, तो जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कर पाके परफेक्ट बाइक है, 125 सीसी की सेगमेंट में ये मार्केट में बहुत ही बड़ा बबाल लाने वाला बाइक है। तो जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो कैटालिक कन्वर्टर के साथ आ रही है अभी BS6 के नॉर्म्स के हिसाब से। तो यहाँ पे कैटालिक कन्वर्टर, यहाँ पे अंडर बेली, तो ये जो इंजन गार्ड भी बोल सकते हो और अंडर बेली भी बोल सकते हो आप इसको, तो काफ़ी अच्छा है। जो इंजन है वो काफ़ी अच्छा है, जो ग्लोसी और मैट फिनिशिंग में पूरा देखने को मिल रहा है। तो क्वालिटी में ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है TVS की तरफ से। और अभी मैं इसका आपको साउंड सुनाता हूँ, इसका जो फायरिंग है वो बहुत ही अच्छा है। तो फटाफट से इसको चालू करके मैं आपको सुनाता हूँ। तो साउंड वगैरह काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। और यहाँ पे TVS की नई टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन को बनाया गया है। FI टेक्नोलॉजी तो है ही इसमें। इसमें आपको एक और बात मैं बताऊँ, इसमें कीक नहीं मिलेगा, तो कीक स्टार्ट के बिना ही आपको ये बाइक चलाना पड़ेगा। कीक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ ही अवेलेबल है ये बाइक। यहाँ पर थोड़ा रफ फिनिशिंग है, यहाँ पर राइडर का बेंचमार्क देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पीछे के टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें 17 इंच के ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है। और अगर मैं ब्रेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे पीछे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलने वाली है, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको पीछे ड्रम ब्रेक ही मिलने वाली है। तो आप ये एग्जॉस्ट वगैरह का डिज़ाइन देखिए, काफ़ी वाइड एग्जॉस्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे ये प्रोटेक्शन के लिए अलग कलर का ये पूरा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग, यहाँ पे ये सिल्वर फिनिशिंग, तो काफ़ी अच्छा है सब कुछ। मेटेलिक पार्ट्स है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मजबूत है ये सब कुछ। और यहाँ पे पीछे, यहाँ पे छुटका सा टेल लैंप है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, और LED टेल लैंप है। और यहाँ से आप सीट्स ओपन कर सकते हो, यहाँ पे TVS का नेम लिखा हुआ है। तो साइड लाइट इंडिकेशन है वो आपको बल्ब टाइप में देखने को मिलेगी। तो जो मड गार्ड वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइक का, क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फ्यूल टैंक है, उसका डिज़ाइन भी काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ से पूरा वाइड और फिर नैरो होता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, बीच में आपको रफ फिनिशिंग मिल रहा है और दोनों तरफ ग्लोसी फिनिशिंग देखने को मिल रहा है। तो ये फ्यूल टैंक का ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी, तो 10 लीटर का फ्यूल टैंक रहेगा इसमें आपको, बहुत ही बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा नहीं, मीडियम साइज़ का फ्यूल टैंक है। तो एवरेज वगैरह तो अभी कस्टमर का कोई ओपिनियन नहीं आया हुआ है, तो मैं आपको कंपनी क्लेम करती है वही एवरेज आप समझिए। लेकिन अगर आपकी राइडिंग स्किल कैसी है उस पर भी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है एवरेज वगैरह। दिखने में काफ़ी अच्छा बाइक है, ज़रूर लग रहा है। तो अभी चलाएंगे और भी ज़्यादा आपको बताऊंगा कि कैसा लग रहा है। तो ये बाइक के अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो आगे के टायर्स में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, इसका ट्रैवलिंग भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे पीछे के सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको देखने को मिलेंगे, 5 तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, गैस चार्ज वाले आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बाकी ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अभी ये बाइक की मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो कलर्स है वो बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी आई कैची लग रहा है। तो ये कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बाइक की शान और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे टैकोमीटर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गियर नोटिफिकेशन दिखा रहा है, यहाँ पे आपको टाइम दिखाएगा, यहाँ पे स्पीड दिखाएगा। तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, साथ में यहाँ पे कितना किलोमीटर हमारा बाइक राइड हुआ है वो दिखा रहा है। और यहाँ पे ट्रिप ए ट्रिप बी आप यहीं से चेंज कर सकते हो,
यार ये दो यहाँ पे स्विचेस देखने को मिल रही है, वहीं से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फ्यूल का नोटिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा दिखा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो कि काफ़ी खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। 125 सीसी या 150 सीसी की बाइक में भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। अच्छा आप देखिए जो हैंडल बार है वो जो TVS अपाची आता है उसका ही हैंडल बार है, काफ़ी वाइड हैंडल बार है। और जो ये मिरर्स वगैरह है उसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, लीवर्स वगैरह का भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो ब्रेक्स वगैरह का लीवर है, जो ब्रेक और क्लच के लीवर्स है, वो भी आपको सिल्वर कलर में देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे टर्न इंडिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, हाई बीम लो बीम करने के लिए एक हॉर्न का स्विच और एक पासिंग का लाइट का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा है। और जो ये सेफ्टी के लिए जो ये गार्ड दिया हुआ है वो भी काफ़ी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि ऐसे निकल जाएगा, वैसा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और हैंडल बार भी आप देखिए काफ़ी वाइड काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे सेंटर में आपको TVS का लोगो देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे इस तरफ के अगर कंट्रोलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ पावर और इको ऐसा दो मोड जैसा दिया हुआ है। तो अपने अभी टेस्ट राइड लेंगे तब भाई मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेलिंग में बताऊँगा। तो किक स्टार्ट, तो ये बाइक में आपको किक नहीं मिलने वाली है, ये बाइक खाली आपको अवेलेबल है सेल्फ स्टार्ट के साथ ही अवेलेबल है। तो ये बाइक में TVS राइडर में आपको किक का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो ये बाइक आपको चार कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू, रेड और येलो। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया बिना बिल्कुल बच जाएगा दोस्तों। और अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको ये दो मॉडल में अवेलेबल, एक डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है और एक ड्रम ब्रेक वाला मॉडल है। तो जो डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है वो आपको 1,07,000 यहाँ पे गांधीनगर ऑन रोड प्राइसिंग है, 1,07,000 में आपको सब कुछ इंक्लूडिंग है, RTO इंश्योरेंस सब कुछ। और अगर आप डिस्क ब्रेक बिना वाला मॉडल लेते हो तो अभी फिलहाल उसका कोई प्राइसिंग रिवील नहीं हुआ, लेकिन 2,000-3,000 रुपया उसका प्राइसिंग आपको कम रहेगा। तो 1,05,000 या 1,04,000 के आसपास आपको अवेलेबल हो सकता है, ये प्राइसिंग फिलहाल के लिए है। फिर मुझे पता नहीं अगर एक आध महीना हो जाए तो प्राइसिंग में भी कुछ रिवीजन आ सकता है। तो एक्स शोरूम प्राइसिंग इसका 88 के आसपास का है, तो आप वो समझ के चलिए। और ये प्राइसिंग में आपको 5 साल का इंश्योरेंस भी इंक्लूडिंग रहेगा और ये बाइक आपको 4 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। तो बस इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते रहेंगे।